दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 20 फरवरी 2019 बुधवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 9 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इनमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या पोस्ट इसके अंतर्गत निकली है और कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 9 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 9 ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है। कुछ भर्तियों के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा और कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब में। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 297 पद खाली है। वहीं बात सैलरी की जाए तो 15,600 से 39,100 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, प्लस ग्रेड पे इसमें 5,400 रहेगा। वहीं बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो MBBS डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन पंजाब है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल या OBC कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है, SC ST या IAF सर्विसमैन के लिए 600 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई इस पर ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है NRHM Punjab.in। इसी पोर्टल से आप सिंपली आवेदन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 फरवरी 2019 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 फरवरी 2019 है। शाम 3 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका वॉक इन इंटरव्यू का टाइम और डेट भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। टाइम और डेट यहाँ से आप देख सकते हो, 2 और 3 मार्च 2019 को सुबह आपको 10 बजे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ में। पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट की। वही बात नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो 57 वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 35,400 से 112,400 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200 है और लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,900 है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं 12वीं डिप्लोमा और BSc अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 25, 28 और 30 वर्ष अलग अलग पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है। आयु की गणना 28 फरवरी 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो जनरल या OBC कैटेगरी के लिए 300 रुपये है। SC ST PWD या फिर वोमैन यानी कि फीमेल को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीस आप डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट NIREH.org इससे डाउनलोड करना होगा और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। ऑफिशियल एड्रेस आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है। आप वहीं से सिंपली चेक करके एप्लीकेशन फॉर्मेट सेंड कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 फरवरी 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, UPSC की भर्ती है। एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसमें आपको एग्जाम देना होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रू CSP एग्जामिनेशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 90 है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर सैलरी की जाए तो आप नोटिस से रीड कर सकते हो। वही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो बैचलर डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम आयु 32 वर्ष है। या दोस्तों, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि SC ST के लिए मैक्सिमम आयु 37 वर्ष है। OBC के लिए मैक्सिमम आयु में 3 साल की छूट है, यानी कि 35 वर्ष है और PH के लिए 10 साल की छूट है, यानी कि 42 वर्ष है। ऑल इंडिया की भर्ती है। ऑल इंडिया बेस की है, कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। जनरल या अदर कैटेगरी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है।
SC/ST PH को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर कैश भी SBI बैंक से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा स्टेज 1 प्री एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें 100 मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टेज 2 होगा मेन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज 3 में पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें 275 मार्क्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in और upsconline.nic.in। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 फरवरी थी, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 मार्च 2019 है। एग्जाम डेट भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है, 2 जून 2019 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो फोन नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गुजरात मेट्रो रेल में। पोस्ट है जॉइंट जनरल मैनेजर या सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, सेली आप नोटिस से रीड कर सकते हो। साथ साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन की क्वालिफिकेशन भी आप नोटिस से ही रीड कर सकते हो। मैक्सिमम आयु 48 और 50 वर्ष है अलग अलग पोस्ट के लिए। जॉब लोकेशन गुजरात, इंडिया में किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आप नोटिस से रीड कर सकते हो। सिलेक्शन होगा बिना किसी एग्जाम इंटरव्यू के माध्यम से, अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है gujaratmetrorail.com। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 15 फरवरी थी और लास्ट डेट 15 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ही निकली है। एग्जाम के माध्यम से ये भी भर्ती होगी, सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2019 के माध्यम से। इसमें 896 पद खाली है। वही बात सैलरी की जाए तो आप नोटिस से रीड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 32 वर्ष है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की और PH के लिए 10 साल की है। ऑल इंडिया बेस की भर्ती है, कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आपको 100 रुपये जमा करना होगा। SC/ST PH को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीस आप ऑनलाइन या फिर कैश भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री मेन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in या फिर upsconline.nic.in। ऑनलाइन इस भर्ती के लिए 19 फरवरी से स्टार्ट है। आप 18 मार्च 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एग्जाम डेट है 2 जून 2019। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कोलकाता पुलिस में। पोस्ट है सिविक वॉलंटियर्स की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 75 है। वहीं बात सैलरी की जाए तो आप नोटिस से रीड कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल 8वीं क्लास पास भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 60 वर्ष है। जॉब लोकेशन कोलकाता है, इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन भी केवल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा बिना किसी एग्जाम के। अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है kolkatapolice.gov.in। इसी पोर्टल से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 18 फरवरी थी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 फरवरी 2019 शाम 5 बजे तक है। उसके बाद दोस्तों, जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। DTC की भर्ती है, पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर पोस्ट है। टोटल 13 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए 33,000 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। MBBS डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 50 वर्ष है। जॉब लोकेशन दिल्ली है, इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आप नोटिस से ही रीड कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है dilli.gov.in। जहाँ दोस्तों, अप्लाई करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा में। पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, सिद्धा फार्मेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, थेरेपिस्ट और ड्राइवर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है। सैलरी लेवल 2 से लेवल 10 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। UG, PG और भी क्वालिफिकेशन है जिनसे आप अप्लाई कर सकते हो। नोटिस से आप पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है, इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है siddhacouncil.com। जहाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो 9th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में। जहाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की भर्ती है, कुक ग्रुप सी की भर्ती है। 1 पद यहाँ पर खाली है।
पे स्केल आप नोटिस से रीड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। जॉब लोकेशन कसौली HP हिमाचल प्रदेश है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। रिटर्न टेस्ट के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है indianairforce.nic.in। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 23 फरवरी है। या दोस्तों लास्ट डेट भी आप देख सकते हो विद इन 30 डेज, 23 फरवरी से 30 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की 9 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली यहीं से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।